यूक्रेन के खिलाफ पूरी ताकत से उतरे रूस के हथियारों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से रणभूमि में रूस के टैंक, उसके फाइटर प्लेन तबाह हो रहे हैं, उससे रूस के हथियारों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। हांगकांग के एक अखबार का दावा है कि रूस से हथियार खरीदने वाले देश अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वहां से हथियार खरीदे जाएं या नहीं। कभी जैवलिन मिसाइल से, कभी रॉकेट लॉन्चर से, कभी गोलाबारी से, युद्ध के दरमियान आई बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि जिन टैंकों को रूस की आन बान शान कहा जाता है वो एक ही अटैक में जमींदोज हो जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज बहुत सस्ते में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रही है। आलम यह है कि हल्के से भी अटैक के बाद ये टैंक सरेंडर हो जा रहे हैं। आसमान में उड़े फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर तबाह होने की कई तस्वीरें आईं, जिनके बाद रूस के हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में हमले के समय रूसी हथियारों के खराब प्रदर्शन की वजह से उससे टैंक और गोला बारूद खरीदने वाले देश कन्नी काटने के मूड में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम से लेकर म्यांमार और इंडोनेशिया तक नया ठिकाना तलाश रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हथियारों के स्पेयर पार्ट्स खरीदार देश उत्तर कोरिया या भारत का रुख कर सकते हैं। रूस का सबसे बाहुबली माने जाने वाला T-90M टैंक जरा से हमले में निस्तनाबूद हो रहे हैं। हालात ऐसे बने कि यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इरपिन, बूचा, खार्किव, खेरसान, जहां भी यूक्रेन ने मिसाइल से पलटवार किया, इस टैंक के पुर्जे ध्वस्त हो गए। चंद सेकंड में सड़कें ऐसे दिखने लगी मानो रूस के टैंकों का कब्रिस्तान हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा में देश के सबसे उन्नत टैंकों में से एक T-90M यूक्रेन में तैनात किए जाने के कुछ ही दिनों बाद नष्ट हो गया था। यूक्रेन के पत्रकार ने बाकायदा ट्वीट करके टैंक की तबाही की तस्वीरें पोस्ट की। इनके रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जिस समय रूसी टैंक यूक्रेन में आए थे उनको एक हफ्ते के अंदर ही मार गिराया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि जो रूस की शक्तिशाली छवि बनी थी वो 2.5 महीनों के युद्ध में खराब हो चुकी है। साथ ही रूस के सैनिकों और उनके हथियारों के प्रदर्शन से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका से मिले जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के सैनिक रूस के भारी भरकम टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करते दिखे। युद्ध के दौरान रूस का T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, सभी जैवलिन के एक्शन के आगे नतमस्तक करते दिखे। इतना ही नहीं, जंग के दौरान स्वीडन से मिले मात्र 17 लाख के रॉकेट से यूक्रेन ने रूस का करोड़ों का T-90 टैंक तबाह कर दिया था। पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि युद्ध में रूस की सेना को बेहद नुकसान हुआ है। रूस के अब तक 1,197 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने 199 एयरक्राफ्ट, 390 ड्रोन और 160 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया। 528 आर्टिलरी सिस्टम और 87 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, पिछले महीने रूस को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब उसका काला सागर फ्लैगशिप मॉस्कोवा यूक्रेन की मिसाइल की चपेट में आने के बाद डूब गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में रूस का 20% हिस्सा है। 2016 से 2020 के बीच रूस ने 45 देशों को 28 अरब डॉलर के हथियार बेचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस हथियारों का बहुत बड़ा निर्यातक है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में उसके हथियारों के खराब प्रदर्शन के बाद उसकी साख पर सवाल जरूर उठा है। ऐसे में अगर उससे हथियारों की खरीद फरोख करने वाले देश शायद
दोबारा सोचें कि रूस के हथियार खरीदे जाएं कि नहीं। दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस के हथियारों का बुरा हाल उनकी बिक्री पर बड़ा असर डाल सकता है, जो इसराइल के लिए अच्छी खबर नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश के माथे पर पसीना ला देने वाली खबर है। रूस के जैसे हथियार यूक्रेन में बुरी तरह तबाह हुए उसमें से ज्यादातर को साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया खरीदते हैं। डिटेल बताते हैं आपको, जिनमें वियतनाम रूसी टैंकों का एक बड़ा खरीदार है। वहीं टैंक जो यूक्रेन की जंग में जैवलिन मिसाइलों का निशाना बनाकर धराशायी हो गए, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश बड़े पैमाने पर रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इन देशों ने रूस से हथियार खरीदने पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि वियतनाम रूस के सबसे आधुनिक सुखोई विमान SU-35 को खरीदे या नहीं, इस पर वो फिर से विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया था कि 7 अप्रैल को उसकी सेना ने रूस के इस विमान को मार गिराया था। और माना जा रहा है कि इसी खबर के सामने आने के बाद वियतनाम रूस से विमान लेने पर असमंजस में फंस गया है। युद्ध में रूस भले ही महाशक्ति हो लेकिन उसके हथियार फेल होते साबित दिख रहे हैं। यूक्रेन अपने छोटे हथियारों से रूस के बड़े बड़े टैंक ध्वस्त कर दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस के शक्तिशाली टैंक तबाह हो रहे हैं। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, हुर्रा! जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो अब बहुत सस्ते में मारा जा रहा है। यूक्रेन की फौज पुतिन के नए नवेले टैंक को कैसे तबाह कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो ने यूक्रेन के वॉर जोन से लेकर मॉस्को में रक्षा मंत्रालय तक भूचाल ला दिया है। ये यूक्रेन के खारकीव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। देखिए, अब इस टैंक की हालत देखिए। किसी भी टैंक कमांडर को, जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। इस टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, क्यों ये अब एक टीन के डब्बे जैसा तब्दील हो गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन इसका सबसे हैरान करने वाला सच तो देख लीजिए, जिसने पूरी वॉर इकोनॉमिक्स को केले के छिलके की तरह उतार कर सामने रख दिया है। रूस का ये टैंक T-90M इसका सबसे आधुनिक वर्जन है और इसकी कीमत 40 करोड़ थी, और यूक्रेन ने इसे ऐसे गोले से तबाह कर दिया जिसकी कीमत है मात्र 1 लाख रुपए। यानी ज़ेलेंस्की 1 लाख के गोले से पुतिन के 40 करोड़ रुपए के टैंक को तबाह कर रहे हैं। ऐसा यूक्रेन की फौज कैसे कर रही है, इसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट का AT-4 लॉन्चर है। इस सिस्टम की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इसमें से 84 मिलीमीटर का गोला फायर किया जाता है। ये गाइडेड सिस्टम नहीं, लेकिन निशाना परफेक्ट लगाता है। यह किसी भी बंकर, किसी भी कंक्रीट के मोर्चे और किसी भी मोटी बख्तर वाले मिलिट्री व्हीकल को तबाह कर सकता है, फिर चाहे वो कोई टैंक ही क्यों ना हो। 84 रॉकेट लॉन्चर को देखें तो इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन की हर प्लाटून को इससे लैस किया जा रहा है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए,
लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो सकता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिलों को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है। 84 मिलीमीटर के गोले के साथ AT-4 600 मीटर तक वार करता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि डॉनबास का युद्ध भी पुतिन के लिए बहुत महंगा साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस टैंक को रूस की शान कहा जाता है उसे जेलेंस्की की फौज बहुत सस्ते में निपटा रही है। T-90 टैंक रूस पिछले 30 सालों से इस्तेमाल कर रहा है। ये T-72 की लाइन पर बनाया गया रूस का नया टैंक कहा जाता है, जो कई आधुनिक सिस्टम से लैस है। आइए आपको T-90 के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। T-90 पहली बार 1992 में रूस की फौज में शामिल हुआ। 2016 में रूस ने इसका नया वर्जन उतारा, जिसे T-90M नाम दिया गया। T-90M टैंक में शतोरा APS एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जो इसे किसी भी मिसाइल से बचने की ताकत देता है। इसमें ज्यादा बेहतर इंजन है, इसमें बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसमें लगा एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी T-72 से बेहतर है। लेकिन यूक्रेन की जमीन इसके लिए भी बहुत खतरनाक और कड़े इम्तिहान वाली साबित हो रही है। अभी रूस के पास 100 से कुछ ज्यादा T-90M टैंक हैं, जिनसे रूस की कुछ ही यूनिट लैस की गई है। यही वजह है कि T-90 से ज्यादा T-72 टैंक हैं, जिसने यूक्रेन को मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। ये T-72B3 टैंक है, या कहें कि था। T-72 के इस आधुनिक वर्जन को युद्ध में सबसे ज्यादा घाव मिले हैं। ज्यादातर हमलों में ये दोबारा इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचा। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों के हमले ऐसे हैं कि रूस के तबाह हुए टैंक कई जगह देखे जा सकते हैं, जिनकी टरेट उखड़ी हुई है, जिसमें 1 मीटर चौड़ा छेद बन गया है। कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ऐसी भी हैं जो पूरी तरह जली हुई कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन में रिपोर्टिंग करते हुए हमारी रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने कीव के पास तबाह किए गए एक रूसी टैंक की तस्वीरें दिखाई थी। उनकी इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। जिस टैंक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रूस का टैंक है जो कि यूक्रेन की सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हम लगभग कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। भले ही यूक्रेन की सेना संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से रूस की सेना से कमजोर है, लेकिन डटकर मुकाबला कर रही है। और ये देखिए, ये निशान है, ये टैंक इस बात का सबूत है कि किस तरीके से रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरी तरीके से ये जल चुका है और यहाँ पर इसके अंदर ये मलबा भी आप देख सकते हैं। और इस टैंक को यहाँ से हटाया नहीं गया है। जो भी लोग यहाँ से आते हैं, कीव की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और जो यूक्रेन की सेना इस वक्त जंग के मैदान में डटी हुई है, हौसला अफजाई करते हैं कि जगह जगह इस तरह के टैंक आपको नजर आएंगे जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। ये तस्वीरें उन तमाम देशों के लिए अलार्म बजने की तरह हैं जो T-72 टैंक का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें भारत भी है। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया है कि यूक्रेन में उसके कितने टैंक तबाह हुए हैं, लेकिन यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के करीब 1200 टैंक तबाह कर दिए हैं। ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए लगते हैं, लेकिन निष्पक्ष सोर्स कहते हैं कि ये आंकड़े 500 से 600 के बीच हो सकते हैं। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता है। टैंक पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त दो और तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इनमें अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। एक जेवलिन सिस्टम की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इसकी एक मिसाइल की कीमत 60 लाख रुपए है।
ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, जिसकी रेंज 800 मीटर है। एक NLAW मिसाइल की कीमत 30 लाख रुपए है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। ये मिसाइल टैंक के ऊपरी हिस्से पर अटैक करती हैं। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना ओढ़े हुए हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक घुस जाती है और तब होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। साथ में टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टरेट धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि टैंक के अंदर भी गोले रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टैंक का एम्यूनेशन। जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। T-90 हो, T-72 हो या T-80, ये दुनिया के बेहतरीन टैंक माने जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अगर जेवलिन का एक्शन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेवलिन क्या कर सकती है। ये फायर एंड फॉगेट सिस्टम है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस के ही नहीं किसी भी टैंक के बचने के नाव के बराबर चांसेस होते हैं। अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन की फौज को इन नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ब्रिटेन और अमेरिका से मिलने लगी। इसी वजह से यूक्रेन की फौज पहले दिन से इन हथियारों के जरिए रूस की फौज को रोकने में कामयाब रही है। 2013 में अमेरिका जेवलिन का नया वर्जन भारत के साथ तैयार करना चाहता था। हालांकि तकनीक ट्रांसफर को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी और उस वक्त भारत भी अपनी एंटी टैंक मिसाइल तैयार कर रहा था। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले T-72 और T-90 और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह करती गई। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागी। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई जनरल और कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन, AT-4 और NLAW जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसे ऐसी मदद अगर जारी रही तो पुतिन को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है।